गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपां करांगे सत्तवीं जमात दी पंजाबी दूजी भाषा दी किताब विचों पाठ है काबली वाला और इस दे लेखक हन रविंद्र नाथ टैगोर। इस पाठ नूं पहले आपां सधारण अते आसान शब्दां विच समझांगे, उस तो बाद इस पाठ दे पिछे दित्ते हुए प्रश्नां दे उत्तर करांगे अते फिर जो है व्याकरण का काम वो भी करांगे। पर इस तो पहला कि आप इस वीडियो नु शुरू करिए, अगर तोड़े विच्चों किसी ने मेरे चैनल नु सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस नु सब्सक्राइब कर लो, ताकि जदों भी इस तरह की कोई नवी वीडियो मैं पावां तो तुहानू इस दी सूचना मिल सके अते तुसी इस तो फायदा उठा सको। तो चलो शुरू करते हैं। अज आपां करन लगे हाँ पाठ काबली वाला। इस पाठ विच कहानीकार ने अपने लई मैं शब्द की वरतों की है। जिथे भी मैं शब्द आंदा है उस तो भाव है कहानीकार। तो शुरू करदे हां ये पाठ। मेरी 5 साल की छोटी बेटी मिनी बिल्कुल भी चुप नहीं रहिंदी। एक दिन सवेरे वो मैनू कहन लगी, बाबू जी राम दयाल दरबान काग नू कां कहिंदा है, उस नू कुछ भी पता नहीं। मेरे कुछ कहन तो पहला ही ओ नवी गल छेड़ दिंदी। ओ कहिंदी, होला कहिंदा है हाथी सुंड नाल आसमान विच पानी सिटदा है तां मी पैंदा है। बाबू जी होला झूठ बोलदा है ना, ए कह के ओ खेडन लग पई। मेरा घर सड़क दे कंडे ते है। एक दिन सवेरे ओ अंदर खेड रही सी, खेड दी अचानक दौड़ के खिड़की कोल गई अते चीकन लगी, काबली वाले ओ काबली वाले। बाहर एक मेव्यां दी मोढ़े ते बोरी लटकाई अते हाथ विच अंगूरां दी टोकरी पकड़ी एक उच्चा लम्मा काबली वाला तिम्मी चाल विच सड़क ते जा रहा सी। जदों ओ साडे घर वल मुड़िया तां मिन्नी डर के अंदर भज गई। उस नूं डर सी कि किते काबली वाला उस नूं पकड़ के ना लै जे। उस दे मन विच इह गल घर घर चुकी सी कि काबली वाले दे बोरी खोलन ते उस विच्चों 2-4 बच्चे निकल सकते हैं। काबली वाले ने मेरे कोले आके मैनू सलाम कीती। मैं उस तो कुछ सौदा खरीदया। काबली वाला पुछन लग्या, बाबू जी तोड़ी बच्ची किथे है? मैं मिनी दा डर कड़न दे लई उसनू आवाज दे के बाहर बुलाया। काबली वाले ने उसनू बदाम अते किशमिश देने चाहे पर उसने कुछ भी नहीं लिया अते डर के मेरियां लत्तां नाल चिंबड़ गई। काबली वाले नाल उस दी ए पहली जान पछाण सी। कुछ दिना बाद मैं एक जरूरी काम जा रहा सी ता की देखदा हाँ कि मिनी काबली वाले नाल पटाक पटाक गल्लां कर रही है अते ओ उस दियां गल्लां सुन के खुश हो रहा है। मिनी दी चोली बदामा अते किशमिश नाल भरी हुई है। मैं उसनू ठन्नी दित्ती अते कहा कि ये सब कुछ इसनू क्यों दिता, अगे तो ना देना। ये कह के मैं चला गया। काबली वाला थोड़ी देर बाद ओ ठन्नी मिनी दी चोली विच ही सिट के चला गया। जदों मैं वापस आया ता देखिया मिनी दी मां उसनू काबली वाले तो ठन्नी लैन करके डांट रही सी। काबली वाला हर रोज मिन्नी नू मिलन लई आन लगा। ओ दोवें किन्नी देर गल्लां करदे रहिंदे। मिन्नी काबली वाले नू पुछदी, तेरी बोरी विच की है? ता ओ कहिंदा, हाथी। ओ मिन्नी नू पुछदा, तू सोरे कदों जाएंगी? उल्टा मिन्नी उसनू पुछन लगदी, तू सोरे कदों जाएगा? ता
वो अपना मुक्का कमा के कहता कि मैं सोरे नू मारांगा। ये सुन के मिन्नी बहुत जोर जोर नाल हसदी। काबली वाला सर्दियां दे अंत विच अपने देश चला जांदा। इस तो पहला उस नू घर घर जाके पैसे उगराने पेंदे सन। एक दिन सवेरे मैं कोई काम कर रहा सी तां बाहर सड़क ते शोर सुनाई दिता। देखिया दोष पाई रहमत नू पकड़ के ले जा रहे सन। उस दे कुर्ते उत्ते खून लग्या होया सी अते सिपाही दे हाथ विच खून दा लिबड़ा होया छुरा सी। उन्हां दियां गल्लां तो पता लग्या कि रहमत ने साडे गवांड विच किसे नू चादर वेची सी अते रहमत दे उस वाल कुछ पैसे उधारे सन, पर हुण उसने वो पैसे देण तों इनकार कर दिता सी। झगड़ा होया ते रहमत ने गुस्से विच आके उस दे छुरा मार दिता सी। काबली वाला कहंदी हुई मिन्नी दौड़ के बाहर आई। ओ उसनों पुछन लगी तू सोहरे कदों जाएगा? तां रहमत ने कहा कि वो सोहरे ही जा रहा है। उसनों लग्या मिन्नी उस दी गल तों खुश नहीं हुई। उसने कहा मैं सोहरे नू मार देंदा पर मेरे हाथ बने हुए ने। फिर काबली वाले नू कुछ सालां दी सजा हो गई। हौली हौली मिन्नी काबली वाले नू भुल गई। अज मेरी मिन्नी दा व्याह है। घर लोग आ जा रहे हन अते मैं कमरे च बैठा होया हिसाब लिख रहा हाँ। मैं की देखदा हाँ रहमत मेरे सामने खड़ा है। पहले तां मैं उसनू पहचान नहीं सकिया। ध्यान नाल देखन ते पता लग्या कि वो रहमत है। मैं रहमत नू कहा कि तू कदों आया है? तां उसने दस्या कि मैं कल ही जेल तों छुट्टिया हाँ। मैं रहमत नू कहा कि अज मैनू बहुत काम है, इस करके तू चला जा अते फिर कदे आई। रहमत कहन लगा कि मैं तोड़ी बच्ची नू मिल सकदा हाँ। उसनू लग्या कि मिन्नी अजे भी एक छोटी बच्ची है अते काबली वाला कहंदी हुई भज्जी आएगी। मैं उसनू कहा कि अज घर विच बहुत काम है, तू उसनू मिल नहीं सकदा। तां ओ उदास हो के दरवाजे तों बाहर चला गया। मैं उसनू वापस बुलाने बारे सोच ही रहा सी कि ओ वापस आ गया अते थोड़ा जा मेवा दिंदा होया बोलिया कि मैं ये बच्ची वास्ते ले आया हाँ, उसनू दे देना। मैं उसनू पैसे देने चाहे पर उसने कहा कि मैं तोड़े घर अपनी बच्ची नू याद करके मिलन आया करदा सी, कोई सौदा वेचन नहीं आया करदा सी। उसने अपनी जेब विचों एक कागज कढ के मेरे हाथ विच पकड़ाया। उस कागज विच छोटे छोटे दो हत्थां दी छाप सी। हत्थां ते कालख लगा के कागज उत्ते उन्हां दी छाप बनाई हुई सी। रहमत अपनी बच्ची दी इस याद नू सीने नाल ला के हर साल कलकत्ते दी गलियां विच सौदा वेचन आया करदा सी। मेरियां अखां विच पानी भर आया। मैं मिन्नी नू आवाज लगा के बाहर बुलाया। मिन्नी नू व्याह वाले कपड़ियां विच अते गहनियां नाल सजी देख के रहमत हक्का बक्का हो गया। उसनू लग्या कि उसकी बच्ची भी मिन्नी जिड्डी हो गई होएगी। वो पहला तो कुछ बोल ना सकिया। फिर उसने कहा कि मिन्नी नू कहा कि तू सस दे घर जा रही है। हुण मिन्नी नू सस दा अर्थ पता सी। वो शर्मा गई। जदों मिन्नी चली गई तां रहमत उत्थे ही पुंजे बैठ गया। वो
अपनी बच्ची दी याद विच गुम हो गया। उस नूं लग्या कि उस दी बच्ची भी जो है मिनी जिनी वड्डी होगी होगी। हुण तक पता नहीं इन्ने सालां विच उस नाल की बीती होएगी। मैं रहमत नूं कुछ पैसे दिते अते क्या, जा रहमत हुण तूं भी अपनी बच्ची कोल अपने देश चला जा। तां बेटे ए सी अपना पाठ काबली वाला। तां हुण आपां करांगे इस पाठ दे पिछे दिते होए प्रश्न। सब तो पहला है ठीक उत्तर अगे टिक दा निशान लगाओ। पहला प्रश्न है मिनी दी उम्र किन्नी है, इसका उत्तर की है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है 5 साल। दूसरा प्रश्न है रहमत ने मोटे उत्ते की लटकाया होया सी, इसका उत्तर है मेव्यां दी बोरी। तीसरा प्रश्न है काबली वाले नू अपने देश जान तो पहला घर 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 क्यों जाना पैंदा सी, इसका सही उत्तर की है? पैसे उग्राहन लई। अगला प्रश्न है लेखक अपने कमरे विच की कर रहा सी, इसका उत्तर की है? बिल्कुल सही, हिसाब लिख रहा सी। अगला प्रश्न है रहमत किस दी याद विच गुम हो गया, इसका सही उत्तर है अपनी बच्ची दी याद विच। अगे आपां करांगे छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। तां पहला प्रश्न है अपना काबली वाले दा नाम की सी, इसका उत्तर है रहमत। दूसरा प्रश्न है मिनी दे मन विच केड़ी गल कर कर गई सी, इसका उत्तर है मिनी दे मन विच ए गल कर कर गई सी कि रहमत दे काबली वाले दे गोरी खोलन ते उस विचों 2-4 बच्चे निकल सकते हैं। अगला प्रश्न है मिनी दी मां उस नूं क्यों डांट रही सी, इसका सही उत्तर है मिनी दी मां उस नूं इसलिए डांट रही सी क्योंकि काबली वाला उस नूं अठियानी दे गया सी। या इसका उत्तर इस तरह लिख सकते हाँ, मिनी दी मां उस नूं काबली वाले तो अठियानी लैन करके डांट रही सी। अगला प्रश्न है कागज दे टुकड़े उत्ते केहो जेही छाप सी, इसका उत्तर है कागज दे टुकड़े उत्ते 2 छोटे-छोटे हत्थां दी छाप सी। अगला प्रश्न है रहमत पुंजे क्यों बैठ गया, इसका उत्तर है रहमत अपनी बच्ची नूं याद करदा होया उसदे ख्यालां विच हो गया अते पुंजे ही बैठ गया। हुण आपां करदे हां संखेप उत्तरां वाले प्रश्न। इस विच पहला प्रश्न है शुरू विच मिनी काबली वाले तों क्यों डरदी सी, इसका उत्तर है शुरू विच मिनी काबली वाले तों इसलिए डरदी सी कि उसनूं लगदा सी कि काबली वाला उसनूं पकड़ के लै जाएगा। इसका दूसरा प्रश्न है काबली वाला की काम करदा सी, इसका उत्तर है काबली वाला सुके मेवे अंगूर अते चादरां आदि वेचण दा काम करदा सी। अगला प्रश्न है काबली वाला मिनी नूं क्यों मिलन आंदा सी, इसका उत्तर है काबली वाला मिनी नूं इसलिए मिलन आंदा सी क्योंकि उस दी वी मिनी वर्गी एक बच्ची सी। अगला प्रश्न है व्याह वाली पोशाक विच मिनी नूं देख के रहमत ने की महसूस किया, इसका उत्तर है व्याह वाली पोशाक विच मिनी नूं देख के रहमत नूं लग्या कि उस दी बच्ची भी मिनी जिड्डी वड्डी हो गई होवेगी। अगला प्रश्न है पैसे दे के लेखक ने काबली वाले नूं की किया, इसका उत्तर है पैसे दे के लेखक ने काबली वाले नूं किया कि हुण तूं भी अपनी बच्ची कोल अपने देश चला जा।
हुण आपां करांगे अगे खाली थावां भरो। पहली खाली थां है काबली वाला डैश चाल विच सड़क ते जा रहा सी। इसका उत्तर है धीमी। अगली खाली स्थान है डर नाल ओ मेरियां डैश नाल चिंबड़ गई। उत्तर है लत्तां। अगली खाली स्थान है मिनी दी चोली डैश अते डैश नाल भरी हुई सी। इसका उत्तर है बदामा अते किशमिश। अगला खाली स्थान है हर साल सर्दियां दे अंत विच डैश अपने देश चला जांदा। इसका उत्तर है काबली वाला। आखिरी खाली स्थान है मिनी दे जान तो बाद डैश कुंजे ही बैठ गया। इसका उत्तर है रहमत। हुण आपां करदे हां पंजाबी तो हिंदी अते फिर अंग्रेजी बनाने। अपना पहला शब्द है खिड़की। खिड़की नूं हिंदी विच भी लिखांगे खिड़की, फिर इंग्लिश विच लिखांगे विंडो। अगला शब्द है जान पहचान। इसनूं हिंदी विच लिखांगे जान पहचान अते इंग्लिश विच लिखांगे इंट्रोडक्शन। अगला शब्द है हर रोज। इसनूं हिंदी विच लिखांगे प्रतिदिन अते इंग्लिश विच लिखांगे डेली। अगला शब्द है टुकड़ा। हिंदी विच लिखांगे टुकड़ा अते इंग्लिश विच लिखांगे पीस। अगला शब्द है चेहरा। चेहरे नूं हिंदी विच लिखांगे चेहरा अते इंग्लिश विच लिखांगे फेस। हुण आपां करांगे शुद्ध करो। तां शुद्ध करो विच पहला शब्द है जरूरी। इस नूं इस तरह लिखना है जरूरी। जज्जे दे पैर विच बिंदी पा देनी है। अगला शब्द है सोहरा। सोहरे नूं जो है सस्से दे उपर जो कनोड़ा लग्या है उस नूं हटा के असीं हाहे दे पैर विच औंकड़ पाना है तां बनदेगा सोहरा। अगला शब्द है मिलन। मिलन विच नाने नूं हटा के असीं नन्ना लिखना है। अगला शब्द है चेहरा। चेहरे विच चच्चे दे उपर जो लां है उस नूं हटा के सिहारी पा देनी है तां सही शुद्ध शब्द बन जाएगा चेहरा। अगे है कुछ। कुछ विच जज्जे नूं हटा के चज्जा पाना है तां शब्द बन गया कुछ। और आखिरी शब्द है सौदा। सस्से ते घोड़ा पाया होया है, घोड़े दी जगह ते असी कनोड़ा पाना है तां सही शब्द बन जाएगा सौदा। तां इह सी बेटे अपना पाठ काबली वाला। अगर तुहानूं इह वीडियो पसंद आई है तां इस नूं लाइक करना है अते शेयर भी करना है।